क्या आप में कोई बता सकता है कि दुनिया में सबसे अच्छी शासन की प्रणाली कौन सी है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली सबसे बेहतर है और समय की मांग भी है, खासकर अपने देश भारत में। जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, तब संविधान निर्माताओं के समक्ष भी यह प्रश्न उठा था कि राष्ट्र भारत के लिए कौन सी शासन प्रणाली अच्छी रहेगी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद स्थायित्व पर उत्तरदायित्व को वरीयता दी गई और इंग्लैंड की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। हमारे संविधान निर्माता जितने भी थे, सभी स्वतंत्रता आंदोलन की देन थे, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि उनके उत्तराधिकारी वंशज भी उतनी ही तरह नेक विचार वाले होंगे, और यहीं पर वे गलती कर गए, जिसका खामियाजा आज पूरे भारतवर्ष को भुगतना पड़ रहा है। आज की तारीख में खासकर छोटे छोटे राज्यों में सरकारों का स्थायित्व तो इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि झारखंड जैसे खंड संपदा से धनी राज्य का विकास भी अवरुद्ध पड़ गया है। आज राज्यों और केंद्र में भी अवसरवादी और अपवित्र गठबंधन किए जा रहे हैं, जिससे राज्यों और देश को लाभ के स्थान पर सिर्फ घाटा होता है। तेजी से राजनीति का स्थानीयकरण हो रहा है, प्रदेशों में छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का तेजी से उभार हो रहा है और राष्ट्रीय दलों का वोट बैंक उतनी ही तेजी से छिन रहा है। आज केंद्र में कई दर्जन दल मिलकर सरकार बनाने लायक बहुमत जुटा पा रहे हैं, जो किसी भी तरह भारतीय लोकतंत्र और भारत के हित में नहीं। प्रत्येक चुनाव के बाद सांसदों, विधायकों, जिला पार्षदों और नगर पार्षदों की खरीद बिक्री शुरू हो जाती है। लाखों करोड़ों खर्च कर पहले तो उम्मीदवार चुनाव जीतता है और फिर चुनाव जीतने के बाद जनता को धोखा देते हुए खुद को लाखों करोड़ों में बेच भी देता है। अगर यह केंद्र सरकार के स्थायित्व की समस्या नहीं होती तो घोटालेबाज भी पैदा नहीं हुए होते। चूंकि चुनाव लड़ना काफ़ी खर्चीला हो चुका है और चुनावों के बाद भी जनप्रतिनिधियों को बिना खरीदे सरकार बनाना लगभग असंभव होता है, इसलिए प्रत्येक दल को अपना अपना धनपति रखना पड़ता है। परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधियों को चुनने वाली आम जनता दिन प्रतिदिन हाशिए पर चलती चली जा रही है और सरकारों को पैसे के रिमोट से चला रहे हैं पूंजीपति। आज हमारी केंद्र सरकार अपने अस्तित्व और स्थायित्व को लेकर इतनी परेशान या आश्वस्त है कि वह आम जनता को ही भूलती जा रही है, देश हित को और लगातार जन विरोधी और देश विरोधी कदम उठाती जा रही है। उसे पता है कि तिकड़म के बल पर वह हर बार सरकार को बचा लेगी और बहुमत का जुगाड़ कर ही लेगी। फिर जनता या देश जाए तेल बेचने तो जाए। आज देश की जनता के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह सीधे सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं चुनती है, वह चुनती है विधायक या सांसद को। और हमारे विधायक या सांसद या छोटे क्षेत्रीय दल हैं कि आसानी से पैसों या पद के लालच में आकर बिक जाते हैं। आज विधायिका कानून बनाने का मंच नहीं रह गई है, वह बनकर रह गई है जनप्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त का मछली बाजार। आज वहाँ कानून नहीं बनते, सिर्फ सरकारें बनाई और बचाई जाती हैं, जो बहुत ही दुखद स्थिति है। आम जनता के दुख, दारिद्र की, भ्रष्टाचार की, न्याय में देरी की। भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और चिंता आज ना तो हमारे जनप्रतिनिधियों को ही है और ना इसके परिणाम स्वरूप हमारी सरकारों को ही। भारतीय लोकतंत्र के स्तर में नित्य आ रही गिरावट रोकने का मेरी समझ से बस एक ही उपाय शेष रह गया है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली का अविलंब परित्याग कर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को लागू किया जाए। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जिन्हें संसदीय शासन प्रणाली का विरोध किया था, राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की तरह सीधे जनता करे और चुनाव के दूसरे चरण फ्रांस की तरह पहले चरण में सर्वाधिक मत पाने वाले सिर्फ दो उम्मीदवार ही मैदान में रहें और उनमें से जिसको भी 50% से ज़्यादा मतदाताओं के मत प्राप्त हो उसे विजयी घोषित कर दिया जाए। अमेरिका की तरह यह जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति के बदलते ही बहुत सारे सरकारी अधिकारियों को भी बदल दिया जाए। राष्ट्रपति संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं हो, मगर संसद को उसके महाभियोग द्वारा हटाने का अधिकार जरूर प्राप्त हो। इसी तर्ज पर राज्यों में राज्यपालों को सीधे जनता द्वारा चुना जाना चाहिए और उसको भी विधानसभा के प्रति जिम्मेदारी से मुक्त रखना चाहिए, मगर विधानसभा को उसको जरूर हटाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वास्तव में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इस लायक नहीं रह गए हैं।
अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल गलत करेगा तो जनता उसको सीधे ही नकार देगी, और इस प्रकार शासक और शासित के बीच बिचौलियों, सांसदों व विधायकों की भूमिका भी स्वतः काफ़ी कम हो जाएगी। 2 मिनट के लिए कल्पना भर करके तो देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी हों, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हों या अरविंद केजरीवाल, और इनमें से किसी एक को पूरे भारत की जनता सीधे सीधे वोट देकर चुने तो कितना अच्छा होगा। इस स्थिति में राहुल गांधी या कोई भी युवराज इस तरह देश के ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी साधे नहीं रह सकता। उसको अपनी भावी योजनाओं से देश की जनता को अवगत करवाना ही पड़ता, अन्यथा देश की जनता उसे सीधे सीधे नकार देगी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं होती कि भारत में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनने की व्यवस्था पूरी तरह से असफल सिद्ध हो चुकी है। यह हमारे खुद के विचार हैं। कृपया इस पर कुछ भी कहना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।